एक मिनट। अरे भाई हम पुष्पा जी से शादी क्यों करेंगे? अरे अभी तो आपने कहा गलती सुधारने के लिए करेंगे। अरे तू शादी क्यों करे? ताकि होने वाले बच्चे को उसके बाप का नाम मिल सके। अरे किसका बाप? अरे पुष्पा जी के होने वाले बच्चे का बाप। हाँ? मैडम ये तो मरे हुए कौवा की तरह उलट गए। मैडम छोड़िए ना, मर गए हैं नहीं जिंदा है। नवाब साहब हे जिंदा है। उठिए मैडम बुला रही। उठिए। हाँ बस। ना, दोबारा बेहोश मत होइएगा, बड़ा मुश्किल से आपको उठाए हैं। शादी करेंगे या गोली खाएंगे? रुकिए। अरे आप होती कौन है हमसे या इनसे कुछ भी सवाल पूछने वाली? क्या हम दूध पीते बच्चे हैं कि हर काम आपसे पूछ के करे, ये करे कि वो करे? ये हमारी अपनी जिंदगी है और उसे हमारे तरीके से हमें जीने का अधिकार है कि नहीं? जो भी करना है हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमारी मैया बनने की कोशिश मत कीजिए आप। रखिए बंदूक अंदर रख दीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चेता रहे आपको। बहुत हो गया, अभी बहुत हमारे दिमाग के गुब्बारे उड़ा दिए आप दोनों ने। अब अगर किसी ने भी चूरन गिरी किया, मैया कसम बता रही कि उड़ा देंगे यहाँ पे, समझे? आप इधर आइए। आ जाइए। कबूल कीजिए कि आप हैं इनके इस हालात के जिम्मेदार। एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे आप। बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो उड़ा देंगे हम आज। हाँ तो फिर उड़ जाइए। उड़ जाइए। वापस आ गए ये नवाब। उड़ गए। बाप रे अपना आशी उड़ा दी। अभी तो कंफर्म हो गया ना, लल्ला पार्ट टू कमिंग सून। यहाँ है यहाँ मर। बहुत अच्छे। पापा कहती है ये कोई उम्र है कारनामा करने की। दिमाग का थाई कर दिया। ये सासू मैया के लल्ला पार्ट टू ने ना हमारी सुख चैन की लगा दी है। क्या करें हम? हाँ बस आराम से भाई। अरे कैसी उल्टी अंगा बह रही है? जो काम सास को करना चाहिए इस उम्र में वो बहू कर रही है, और बहू को करना चाहिए वो सास कर रही है। और नहीं तो क्या, इस उम्र में भी कोई माँ बनता है? छी, कलयुग है जी कलयुग। क्यों ध्यान दे रही हो सबकी तरफ? देखो एक बार जब बच्चा बाहर आ जाएगा ना, फिर देखना हम हमारी ड्यूटी और बच्चा दोनों आराम से संभालेंगे। क्या देख लिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यस करू, बोलो। माँ बनने वाली है। हैं? क्या बात कर रही हो तुम माँ बनने वाली हो? हम कैसे माँ बन जाएंगे? आपकी अम्मा माँ बनने वाली है। ये क्या कह रही हो अम्मा? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डॉक्टर बोल रहे हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है। क्या कह रही हो यार? दिक्कत हमें इस बात से है कि लल्ला और लल्ली पार्ट टू कैसा लगेगा, कितना दिक्कत तूफान आ जाएगा, आप समझो, इस बात से दिक्कत है हमें। अच्छा ठीक है, शांत हो के हमारे एक बात सुनो। यार देखो हमारे लिए भी इतना आसान तो है नहीं है सब, हम भी उतने शौक नहीं रहते तो, पर एक सेकंड के लिए किसी की बहू नहीं एक औरत बन के सोचो यार, क्या हमें अम्मा के इस फैसले की इज्जत नहीं करनी चाहिए? और दोनों को बैठ कर उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है? मैडम बाहर आकर देखिए ना क्या बवाल मचा हुआ है, औरतों का एक बहुत बड़ा जत्था आया हुआ। हाय पुष्पा जी से चिल्ला रहा है वो लोग। सुनिए अभी कुछ अर्जेंट काम आ गया, आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ रखिए चलो। पुष्पा सिंह हाय। आवाज नहीं निकलना चाहिए, एक आवाज नहीं निकलना चाहिए, बे आवाज कर देंगे, बता रहे। कोई एक इंसान सामने आओ, हमको बताओ क्या तकलीफ है, काय पुष्पा जी के नाम का बिल फट रहा है यहाँ पर। तरन्नुम नाम है हमारा, नवाब साहब की बीवी नंबर 9।
और ये सब उनकी ब्याहता। अरे सोतन। और हम सब उनकी 21 बीवियां, जिनमें से चंद तो अभी आई भी नहीं है। पूरा कुनबा आ जाए ना तो आपका ये थाना तो दिखाई भी ना दे। एक सेकंड, आप हमारे थाने के सामने खड़े होकर हमारे थाने को धमकी देंगे तो बात बिगड़ जाएगा, बता रहे हैं। अब बिगड़ने को बचा क्या है? जितना बिगड़ना था वो तो बिगड़ चुका। हम सब तो उसे रोकने आई है जो आगे और ना बिगड़े। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप? अरे पहले से ही नवाब साहब का अच्छा खासा भरा पूरा कुनबा है और ऊपर से पुष्पा जी एक और इस पैदा करना चाहती है। निकालिए उसे बाहर, जिसे इस उम्र में माँ बनने का शौक चढ़े। छी, निकालिए उसे, निकालिए उसे, जाइए। शांत, सारा गलती पुष्पा जी का है, नवाब साहब का गलती नहीं है। उनको नहीं सोचना चाहिए था आप सबके बारे में, उनको कुछ नहीं कहिएगा आप। औरत है इसलिए हम लिहाज कर रहे हैं, वरना हाँ हाँ आप तो उन्हीं की तारीफदारी करेंगी ना। सास जो है तुम्हारी वर्दी की सीमाओं में है, नहीं तो कोई हमारी अम्मा के लिए ऐसा बोल दे और वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, यह संभव है, समझी? ऐसा हम नहीं होने देंगे। पुष्पा सिंह, हाय हाय, शांत, हाय हाय, सुनिए, हाय हाय, पुष्पा सिंह, हाय हाय, आ गई, आ गई, पुष्पा सिंह, हटो, 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 एक मिनट भाई, अब कोई भी आगे बढ़े तो मैया कसम चित्रा देंगे यहीं पे। और अपने इस रंगीन मिजाज सूतली बम को बोलो ना कि वो एक और वारिस काहे ला दिया इन्होंने। बम? हम? पुष्पा जी? चुप रहिए नवाब। अरे नवाब साहब बोलिए पूरा। ऐसा है, यहाँ से निकलिए आप, नहीं चाहिए आपका जमीन जायदाद, आपका मिल खेत, आपका पैसा, सबको लेके निकलिए यहाँ से। और आप सब सुन लीजिए, ये हमारी माँ है और ये इनका जो फैसला होगा, इनको पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी का फैसला करने का, ये इनकी जिंदगी है, समझे आप? और इनकी बेटी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका कुछ भी फैसला हो इनके सामने खड़े रहे, उस फैसले का सम्मान करें और इनके साथ खड़े रहें। और किसी की भी मैया ने किसी को एक्स्ट्रा दूध पिलाया हो ना, तो हमारे सामने आए, हमसे निपटे और इनको हाथ लगा के दिखाए। जीजी, जीजी, अरे ओ जीजी, अरे हटो, हटो, अरे हटो, जीजी, अरे जीजी, अरे अरे अरे, एक मिनट, यहाँ, यहाँ, क्या हुआ? जीजी, ना गर्भवती नहीं है, वो क्या है ना कि हमने दूसरे डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराया, वो हमें बोले तुम ना बिल्कुल गर्भवती नहीं हो, गैस का तकलीफ है। बाप रे, इसलिए हम कहते हैं इतना मत खाया करो। एक सेकंड, ये क्या खुसुर पुसुर हो रहा है? और ये पारो चाची यहाँ क्या कर रही हैं? बात दरअसल ये है कि पारो के पति का देहांत 6 महीने पहले हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लालच। पारो अपनी गर्भवती होने की बात छुपा कर रखना चाहती थी, इसलिए किसी तरह हम इस बिल्ले से पीछा छुड़ाकर क्लिनिक पहुंचे, जहां पारो पहले से हमारे इंतजार कर रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कोई गलती हुई है। आप प्रेग्नेंट हैं मैडम, और यही सच है। प्रेगनेंसी में क्या सावधानियां बरतनी है वो आपको लिख के देती हूँ मैं। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता कर रही हो, हम सब संभाल लेंगे। और वैसे भी अभी किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम कुछ करते हैं, निकालते हैं कुछ हल। मैडम, पेशेंट का नाम क्या लिखना है? Oh my God, excuse me. Means this report is not pregnancy report. फिर वो P Singh? पारो सिंह। अच्छा, P for पारो, not P for पुष्पा। Oh my God, I have a big mistake. मतलब ये सब तुम्हारी वजह से हो गया सब कुछ। मेरे वजह से? और वो सब उल्टी उल्टी जो आपको हो रहा था वो सब? हाँ हाँ, चटपटा खाने का मन कर रहा था वो। देखो जो हम बता रहे, थोड़ा शांति से सुनना, हाँ, एकदम से अपना बंदूक मत निकालना। क्या हुआ? बता रहे ना। उधर क्या देख रही है? हाँ नहीं नहीं, नवाब साहब ने वैसे कुछ नहीं किया है। क्या किया? बता रहे हैं। एक रात पहले ही, एक रात नवाब साहब ने हवेली की छत पे बुलाकर बिरयानी खिलाई थी और वो इतनी लाजवाब बनी थी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए, हमारे मन में लालच
उठ गया, भूख पड़ गई और हमने इतनी खा ली, इतनी खाई कि हमारा हाजमा खराब हो गया ना, तो इसलिए हमें वो उल्टी उल्टी पर पारो की गर्भवती होने की खबर ये सब मिलके गड़बड़ हो गई। अरे यही तो सोच सोच के अंदर हम परेशान हो रहे थे कि अरे बिरयानी खा के कौन बाप बना है भाई। तुम क्या लुक दे रहे रे बाबू, हैं? तुम क्या लुक दे रहे? ये सारा रायता ना तुम्हारे दो कौड़ी के घटिया शक की वजह से फैला रहे दम पिसाच, हैं? ना ही तुम पुष्पा जी पर शक करता, ना ही ये सब होता। बस 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 ज्यादा तनो मत, तनो मत। गुड न्यूज ये है, आई एम विरुद्ध स्पाई, कोई नहीं आ रहा है मेरा बहन और भाई। सवाल ये है कि अगर पारो चाची प्रेग्नेंट नहीं है तो डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट काहे बनाई? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने पढ़े लिखे तजुर्बेकार डॉक्टर हैं, फिर भी ऐसी मूर्खता भरी गलती कैसे कर सकते हैं वो। हम अभी जाते उनके पास और पता लगाते हैं सच का। जी जी हम भी चले क्या? अब क्या न्योता देना पड़ेगा? चलो बेस्ट ऑफ लक माँ। बेस्ट ऑफ लक क्या? चलो जाओ ना, बेस्ट ऑफ लक। चलो 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 काम पे करो। अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं? I want gynecologist। अरे सर डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट तो लीजिए। हम अपॉइंटमेंट लेते नहीं, हम अपॉइंटमेंट देते हैं, और हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। माँ अभी देखो ऐसी लाइन बोलता हूँ हिल जाएगी, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम विद द स्पाई। माँ हिली ही नहीं। चलिए लाइन में आइए फटाफट। जेनी जेनी एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? हमारा जो हॉस्पिटल है वर्ल्ड फेम हॉस्पिटल है और तुम ऐसे बात कर रही हो? एक काम करो तुम जाओ, हम बात करते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, जो भी बात होगी सबके सामने होगी और अभी के अभी होगी। बात ये है कि क्या हुआ? जी जी हमारा पेट बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है। बाप रे डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। जेनी फौरन इन्हें सोनोग्राफी रूम में ले चलो। डॉक्टर संभल के, बहुत दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड। इट्स ह्यूज मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। ओके मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगता है जल्दी एबॉर्शन करना पड़ेगा। एबॉर्शन अभी इसी वक्त ऑन रिकॉर्ड, नहीं तो इनके जान को खतरा है। खर्चा कितना होगा? वर्ल्ड बेस्ट प्राइस ओनली 50,000। नहीं ये नहीं। जी 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 हम क्या कह रहे हैं कि हमको तो लगता है कि हमारे पेट में गैस। उनको गैस करने दो। चुप रहो ना। अरे आप लोग क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी बताइए, करें तैयारी। अम्मा बस करो, ये बात हम भी जानते हैं और आप दोनों भी अच्छे से जानते हो कि ये गर्भवती नहीं है, और हमने दो और डॉक्टरों से इसकी जांच करवाई है जिन्होंने कहा है कि यह गर्भवती नहीं है। अब जब यह प्रेग्नेंट ही नहीं है तो फिर आप अबॉर्शन किसका करेंगे? अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप इतने दावे के साथ कैसे कर सकती हैं कि जिन दो डॉक्टर से आपने इनका चेकअप करवाया है उनकी रिपोर्ट 100% सही है? और वैसे भी मैडम हमारा जो प्रोफेशन है इसमें बहुत सारे फेक डॉक्टर हैं। जैसे कि हम तो डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट हैं। मैडम आप बताइए आपको किसकी रिपोर्ट पे यकीन है? हाँ बिल्ले वो डॉक्टर अभी भी कह रहा है कि पारुच गर्भवती है, तुरंत अबॉर्शन करना पड़ेगा, 50,000 रुपए मांग रहे हैं। मुझे तो ये डॉक्टर करेक्ट नहीं लग रहे हैं, झोलर नहीं लग रहे हैं। झोलर लग रहे हैं तो ला उठा के लाओ, खाना उठा के लाओ उन दोनों को, हम अपने तरीका से निदान निकालते हैं, ठीक है? ओके विल दिस फाइव ओवर एंड आउट। अरे अगर वो गर्भवती ही नहीं है तो कैसे आप गर्भपात करेंगे? समझ में आ रहा है आप लोग? शांति शांति यार, अभी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करेंगे हमारी करिश्मा मैडम, आप थाने चलिए। चलिए 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 आइए आइए। नर्स आइए। कम 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 कम। अब बेहतर महसूस कर रही हो? सफर कर पाओगी ना? जी हाँ। तो एक काम करो, ये पैसे रखो, गांव चले जाओ, वहाँ हमारे पहचान वाले डॉक्टर साहब हैं, हम उनको फोन करके बताते हैं सब कुछ, वो ठीक करेंगे तुम्हें, ठीक है? ये लो जाओ जल्दी जाओ। जी जी जी। ही मैया की सासू माँ, समझते क्या हो खुद को? हाँ क्या बकवास कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आता है तुमको? शर्म नहीं आता है डॉक्टर होके तुम ऐसा बात करते हो? ये क्या कर रही है? शांत हो जाइए, शायद थोड़ा सीएम के साथ काम लीजिए। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ ऑफिसर।
बहुत गलत किया है आपने। हमें चुप करो ना अभी। एक ही जज्बात डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया है, वो भी हॉस्पिटल से उठवा के थाने पे ला करके और गैर कानूनी हरकत कर रही मेरे साथ। अब देखिए क्या होता है। अभी तो हमारे पास सबूत भी हैं। देखो। गुड रोशनी, गुड। अब देखिए क्या होता है। सूजन होगा। अरे चुप करो। अब ये वीडियो होगा सोशल मीडिया पे वायरल। अब आप अपने डिपार्टमेंट को जवाब देते रहना अपने इस गैर कानूनी हरकत के लिए। तुम्हारी मैया की सासू मैया। शांत शांत शांत। क्या कर रही हैं आप? इधर हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही हैं आप? वो आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं रही हैं आप? हाँ, थोड़ा संयम के साथ काम लीजिए। ठीक है ठीक है, आप चले जाइए। हाँ ठीक है जा रहे हैं। अब ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी, बहुत आगे तक जाएगी। एक एक फंसोगे। हाँ हाँ चाहिए चाहिए। देख रही हैं मैडम, ये दोनों मियां बीबी कितना चालू है सब। अरे हमको तो लगता है दोनों ना प्लान के साथ आया था सब, कि मैडम को उकसा कर ऐसा वीडियो बनवा लेगा सब, उसके बाद से इसी वीडियो का फायदा उठाएगा सब। अरे हमें इन बकवास बातों में नहीं पढ़ना है अभी। हमें ऐसे फर्जी डॉक्टरों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना है। ये झूठे मकार डॉक्टर को बेनकाब करना है, समझ रहे हो हमारी बात को? हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अब जो भी कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आपका वीडियो वायरल हुआ है और डॉक्टर दंपत्ति के आसपास भी मत फटकिएगा, ऐसा ही करिश्मा सिंह। नहीं तो मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं ना, वो बवाल मचा देंगे, बवाल। आप सस्पेंड भी हो सकती हैं। आपका वीडियो वायरल हुआ है और डॉक्टर दंपत्ति के आसपास भी मत फटकिएगा, ऐसा ही करिश्मा सिंह। आप सस्पेंड भी हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी तरफ से आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब मीडिया जिसे सही कहती है वो सही होता है, मीडिया जिसे गलत कहती है वो गलत हो जाता है। मतलब सच भाड़ में जाए और जो इंसाफ है वो झोला लेके भीख मांगता रहे बस। करिश्मा सिंह, ये क्रांतिकारी और ज्ञान की बातें जो है ना, ये पुस्तकालयों में शोभा देती है और उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए कोई जाता भी नहीं है। पुलिस का असली धर्म होता है सच्चाई पर अडिग रहना और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना। और आप बता रही हैं कि सही और गलत, सही गलत का ध्यान आपने रखा होता ना, तो आज ये नौबत आती ही नहीं। मैं बस ये बताने के लिए यहां पर आया हूं कि ये केस जब तक चल रहा है आप इस केस पर काम नहीं करेंगी। हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय। बताइए मैडम, आप इस केस पर काम नहीं कर सकती हैं? मैडम सर यहाँ पर है नहीं और हमसे होगा नहीं, तो कौन करेगा इस केस को सॉल्व? पुष्पा जी इस केस को सॉल्व करेंगी। हम कैसे? क्यों नहीं, यही तो आप चाहती थी ना, कि रिटायरमेंट से पहले आप एक केस सॉल्व करें खुद के दम पर। इसी की ना बात करती रहती है आप हर वक्त हम सबके सामने, तो फिर यही मौका है पुष्पा जी, यही केस है वो। कर दीजिए इस केस को सॉल्व, टंटा खत्म कीजिए और डिपार्टमेंट को प्रूफ करके दिखाइए कि हेड कांस्टेबल पुष्पा जी क्या चीज है। आज से ये केस आपका हुआ। अरे सोच क्या रही हैं? बताइए इस केस पर क्या करना है पुष्पा जी? अब से, बल्कि अभी इसी वक्त से इस केस पर सिर्फ आपका ऑर्डर फॉलो किया जाएगा पुष्पा जी। अब करिश्मा मैडम को निर्दोष साबित करने का सारा जिम्मेदारी ना आप ही का है, हम सब आपके अनुसरण में हैं। बोलिए क्या करना है पुष्पा जी। माँ आप कर सकती हो, आप कर सकती हो माँ, यू कैन डू इट, हम सब आपके साथ हैं माँ। हाँ पुष्पा जी आप कर सकती हो। अरे रुको रुको, तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये सोनोग्राफी रूम है जनाब। इस नाचीज को नवाब वक्त कहते हैं, लखनऊ के शाही खानदान के आखिरी चश्मों चिराग है। तो ये है हमारे मुख्तसर सतारू और ये
ये है हमारी बेगम साहिबा नूर बानू। शर्मा कह रही हो? आदाब करो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा को। आदाब 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 प्रणाम। मसला ये है कि ऊपर वाले ने हमें बेहिसाब डॉलर से नवाजा, मगर बदकिस्मती ये है कि उसे सौंपने के लिए हमें वारिस नहीं दिया। बाखुदा जनाब, हर तरीका आजमाया, हर दरवाजे पर मन्नतें मांगी, मगर औलाद नसीब ना हुई। 15 साल की मन्नतों के बाद कहीं आज जाकर तकदीर के पत्ते सीधे पड़े और हमारी बेगम साहिबा को उल्टी शुरू हुई। अब जाकर लगता है कि खुदा ने हमारी सुन ली और हमारी तमाम जायदाद का वारिस हमें मिल जाएगा। बस एक छोटी सी इल्तिजा है आपसे, हमारी बेगम साहिबा का एक डॉक्टरी मुआयना कीजिए, हमारी इस उम्मीद की खुशी पर अपनी तस्दीक की मुहर लगा दीजिए। आइए ले जाइए। आइए आओ बेगम साहिबा, आओ आराम से। बाल से कुछ गड़बड़ ना हो वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा।